दिल्ली जयपुर हाईवे पर महिला को दी लिफ्ट, पानी में पिलाया नशीला पदार्थ, कोर्ट डैम में ले जाकर लूट ली लाज। रेवाड़ी जिले में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी महिला के गांव से ही हैं, जिन्होंने पीड़िता को दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित बनीपुर चौक से घर तक ले जाने के लिए अपनी गाड़ी में बिठाया था। उसके बाद पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर महिला को पिला दिया। फिर वे उसे एक सुनसान जगह पर बने कोठड़े में ले गए। वहां आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बावल थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय पीड़िता दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित बनीपुर चौक पर खड़ी थी, तभी उसी के गांव के संदीप और भूपेंद्र वहां गाड़ी लेकर पहुंचे। आरोपियों ने महिला को घर तक छोड़ने की बात कहकर गाड़ी में बैठा लिया। फिर आरोपियों ने पीने के लिए पानी दिया, जिससे पीकर उसे नींद आ गई। पीड़िता का आरोप है कि आंख खुली तो एक सुनसान जगह खेत में बने कोठड़े पर थी, जहां दोनों आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और सुबह गांव के पास छोड़कर फरार हो गए। साथ ही आरोपियों ने किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन इस पूरी घटना की जानकारी पीड़िता ने घर पहुंचकर परिवार को दी और फिर पुलिस में शिकायत दी गई। बावल थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 366, 376D, 506, 34 IPC के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में कल पेश किया जाएगा। मामला आया सामने, वो क्या कहानी कहाँ की है? कल हमें सूचना मिली थी कि बावल क्षेत्र के अधीन एक महिला के साथ दो व्यक्तियों ने करीब एक महीना पहले बलात्कार किया था और अब उन व्यक्तियों ने वायरल की भी धमकी दी थी, जिस पर हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई और शिकायत में हमने प्राथमिकी दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है और इसमें दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, अभी तफ्तीश जारी। सर, नशे का मामला भी आ रहा है, क्या नशे के मामले में कहानी हुई क्या? इसमें इन सभी तथ्यों पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, भाई उन्होंने क्या क्या लिया, आगे क्या क्या कैसे किस प्रकार से कहीं दे गए, तो वो सभी इन्वेस्टिगेशन सब पॉइंट पर जारी है।